ये रही अपनी पूरी मोहर की मार्केट प्राइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो। हाय हेलो, कैमरे की जो डिस्प्ले है फ्रंट वाली वो भी शो नहीं कर रही है अभी, आगे कहीं ऐसी जगह खजली हो जाएगी ना। सब देख रहे हो पत्थर ताजे ताजे आए हैं यार यहाँ पे। मैंने रास्ते शूट कर ही नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा गिरी थी, मैंने कैमरा फिर बैग में रख दिया। क्या बोलते हो, लग जाएगा 100? लाइक शेयर कमेंट तो किया करो यार, सपोर्ट करो भाई को यार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग एकदम बढ़िया से होंगे। अगर आप मौसम चेक कर रहे होंगे भाई, सुबह सुबह का टाइम है, इस टाइम 11 बज गए हैं भाई ऑलमोस्ट। ऐसा काम भी है भाई, मोहर वाली साइड जाना है, तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और बाकी की बातें सारे करेंगे मोटो व्लॉग पे। और एक्चुअली मोटो व्लॉग तो करूँगा बट ये नहीं पता है मेरा कैमरा कहाँ गिर जाएगा। मेरा जो एक माउंट टूट गया बस मैंने जुगाड़ से रखा है। और फिलहाल ये रही अपनी बाइक, कंडीशन चेकआउट करो और फिलहाल करते हैं बाइक कोल्ड स्टार्ट और निकलते हैं यहाँ से। निकल चुका हूँ मैं घर से एकदम फुल पावर भाई। मौसम आगे का चेक करो भाई, कितना खतरनाक है भाई। और कैमरे का डर लग रहा है, बाकी कोई सीन नहीं है, कैमरे वगैरह कहीं गिर ना जाए भाई, कहीं खड्डे में जाके तो सीन खराब हो जाएगा भाई, व्लॉगिंग भूल जाएगी। सो गाइस, लास्ट टाइम ना मेरी यहाँ पे टांगे खड़ी हो गई थी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी बाइक भाई, मतलब मुझे समझ नहीं आया, थोड़ा स्किट वगैरह थी ना और बाइक ना पूरा बाहर चला गया था भाई। मुझे लगा कि आज चला गया मैं, गिरने से बच गया भाई। स्किट बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, बाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी ये समझ लो आप। बाकी रोड कंडीशन चेक कर रहे हो भाई आप, रोड की कंडीशन। आगे का सीन देखो कितना तबाही वाला सीन है भाई, फॉग ना काफ़ी ज़्यादा है भाई, कुछ दिख नहीं रहा है खास आगे। मैं ज़्यादा बाइक भगाऊंगा नहीं भाई क्योंकि कैसे कोई गाड़ी आएगी तो ठुक जाएगा भाई तुम्हारा, और वैसे भी ईद आने वाली है भाई तो मैं कुछ गलत सीन नहीं कराना चाहता हूँ। आपको क्या दिखाऊँ, आगे फॉग ही फॉग है यार। बाइक और यार इतना मज़ा आ रहा है ना इस धुंध में राइड करके यार, सच में। ये जो सीन है इस वाले साइड ना थोड़ा ज़्यादा फॉग सी रहती है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, बहुत ज़्यादा खतरनाक सी फॉग रहती है भाई, कुछ दिखता नहीं आगे, देख पा रहे होंगे आप। कि अगर बारिश वगैरह आ जाएगी ना तो मसला ख़राब हो जाएगा, इसलिए बारिश वगैरह से हम बच के थोड़ा जल्दी निकलते हैं। काफ़ी टाइम के बाद भाई मैं इस साइड आ रहा हूँ यार, लास्ट टाइम मुझे याद ही नहीं मैं कब आया हूँ। असल मैंने हमने मोहर वाला रास्ता ही छोड़ दिया भाई, हम शॉर्टकट इस साइड से आते हैं ना। साहब देख रहे हो पत्थर ताज़े ताज़े आए हैं यार यहाँ पे, पहाड़ी एरिया मैंने यही सीन रहता है भाई, पत्थर वगैरह लैंड स्लाइडिंग बहुत ज़्यादा आती है, पता ही नहीं चलता है। ये देख रहे हो बाइक में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है भाई, चैन ना बिल्कुल ढीला हो गया, मुझे ना फिर से चैन सेट वगैरह टाइट करवाना पड़ेगा, ये तो कहीं गिर जाएगा भाई, यहाँ से जम्मू कैसे पहुँचाऊँ भाई। फिर अभी वहाँ पे थोड़ा अच्छा रोड आने वाला है ना, वहाँ हम कोशिश करेंगे कि हम 100 लगा पाएंगे, पूरी पूरी कोशिश करूँगा। बट तो गाइस फिलहाल आ चुकी है 100 लगाने की बारी भाई, उड़ ना जाए कहीं। क्या बोलते हो, लग जाएगा 100? भाई नहीं लग रहा है यार, सच में बहुत कोशिश की, नहीं लग रहा है, 100 नहीं लग पा रहा है भाई। एक तो यहाँ पे कर्व भी काफ़ी खतरनाक है भाई, ऊपर से फॉग है भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए आराम से चलेंगे। बट फुल पावर गांव में व्लॉग बनाने का ना मज़ा आ रहा है यार, ना गर्मी लग रही है ना कुछ, एकदम कूल सा मौसम है ना, बातें भी बहुत ज़्यादा आती है। बट आप मेरी बातें पसंद ही नहीं करते हो, आप लाइक कमेंट शेयर करते ही नहीं हो भाई वीडियोज़ को, आपको फिर भी मेरी वीडियोज़ अच्छी नहीं लगती है यार, हद हो गई यार। कम से कम लाइक शेयर कमेंट तो किया करो यार, थोड़ा सपोर्ट करो भाई को यार। वो हमेशा बोलता रहता हूँ भाई मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग करूँगा, कंटिन्यू व्लॉग करूँगा, बट ऐसा मौका नहीं मिल पाता है भाई। देखो कभी मैं जम्मू होता हूँ, कभी मैं होम टाउन होता हूँ, थोड़े कुछ सीन्स रहते हैं ना लाइफ में, उसके चक्कर में थोड़ा बंदा फिर उलट पुलट हो जाता है ना, फिर कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रहता भाई, खाना नहीं टाइम पर याद रहता भाई, तो व्लॉगिंग तो छोड़ो यार फिर बस। तब भी मैं कोशिश करता हूँ मैं आप सबके लिए व्लॉग बनाऊँ भाई, और काफ़ी सारे बंदे कमेंट करते हैं भाई कि आपकी वीडियो अच्छी होती है बट आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। यार आप क्या कर सकते हैं, आप लोग सपोर्ट करोगे तो वही व्यूज़ आएंगे ना, इंप्रेशन देते हो बट क्लिक नहीं करते हो यार, बहुत बुरा लगता है यार ये सब। 50-60 हज़ार बंदे इंप्रेशन देते हैं यार, अगर उस पर अगर 10 हज़ार व्यू आए ना यार तब भी थोड़ा दिल तो खुश रहेगा भाई। आप सब सपोर्ट करोगे तो सब होगा, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा। तो गाइस फिलहाल ना यहाँ से बाइक न्यूट्रल जाएगी बिल्कुल एकदम फुल पावर लेके भाई, क्योंकि पेट्रोल बचाना भी ज़रूरी है भाई, पेट्रोल बचाएंगे तो ही आगे कहीं काम आएगा, वरना आगे कहीं ऐसी जगह खजली हो जाएगी ना कि जहाँ बंदा कुछ कर ही नहीं पाएगा। फिलहाल पहुंच चुका हूं मैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे, ये रही और बाइक, और ये रही अपनी पूरी मोहर की मार्केट भाई, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भाई पूरा ने मोहर का एरिया है भाई, और देख पा रहे हो कितना सही लग रहा है, अमेजिंग व्यू भी देखो कितना ज़बरदस्त है। और फिलहाल यहाँ पे रुके 2 मिनट, मैं थोड़ा यहाँ पे एक स्टोरी भी बनाएंगे क्योंकि मैंने अभी तक स्टोरी भी नहीं डाली यार, काफ़ी सारे बंदे मिलते हैं फिर बोलते हैं आप आते हो आप बताते नहीं हो यार, इसलिए अभी मैं स्टोरी डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो ये व्लॉग तो उसके बाद है कि स्टोरी अभी डाल देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ी है भाई, ये एक स्टैंड है भाई, यहाँ से हमारे घर के लिए गाड़ियाँ जाती हैं, और आगे भाई आर्मीज एरिया, और यहाँ पे मुझे शायद कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, कहीं कुत्ता तो नहीं दौड़ेगा पीछे। पीछे ना मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था क्योंकि यहाँ पे ना आर्मीज का पूरा मतलब एरिया है, इसके कारण मैंने कैमरा ऑन नहीं किया। देखो भाई
अगर वो उन लोगों को पता नहीं चलेगा हम शूट कर रहे हैं, बट हमें देखना चाहिए कि हमें शूट नहीं करना चाहिए। आर्मी एरियाज जहाँ भी होता है ना वहाँ पे आप कभी शूट मत करो, क्योंकि एलो ही नहीं होता है। कोई कोई बंदे ऐसे होते हैं जो कर लेते हैं, बट नहीं करना चाहिए, ऐसे शूट नहीं करना चाहिए। और ये अपनी पूरी मोहर की मार्केट, अगर गाड़ी वाले के पीछे चलेंगे तो खराब सीन होगा भाई, इसलिए आगे निकलना बेटर था। शॉपिंग वगैरह कर ली, एक ये शर्ट ली और एक ये ट्राउज़र लिया बस। घर में पहनने के लिए कपड़े अच्छे खासे नहीं थे तो मैं चलो घर में पहनने के लिए ले लेते फिलहाल के लिए, और बाकी ईद पे शॉपिंग करेंगे या नहीं करेंगे अभी उसका कोई प्लान नहीं है, तो बाकी देखते हैं जम्मू जाके भाई। फिलहाल ये रहा भाई बंदा अपना भाई जिसकी शॉप है यहाँ पे, काफ़ी क्लोज है हम, अब बताऊंगा भी कितने क्लोज हैं, बट ये भाई का सीन है। और जिसने भी आना होगा भाई, मतलब मेरे गाँव से अगर कोई भी देख रहे हैं ना, जिसको भी आना होगा भाई इनकी शॉप पर आ जाना, और आपको बिल्कुल अच्छे से रेट में दे देंगे भाई, बिल्कुल जिस भाई ईद के लिए जिसने भी शॉपिंग करनी होगी और जरूर यहाँ से आ जाए। लोग मैंने आपको इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना उसका लिंक मैं दे दूंगा भाई, इनका जो ट्रेंडिंग गारमेंट्स के नाम से है भाई, वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, और इनसे जाके बात कर लेना, आपको सब कुछ वहाँ दिखेगा भाई, और ज़रूर से चेकआउट कर लेना और भाई से बात कर लेना, सब कुछ आपको बताएंगे क्या सीन है क्या नहीं, बाकी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, पूरा इनको एक्सपीरियंस है बताएंगे भाई। ली गाई शॉपिंग वगैरह कर ली और घूम शूम लिया अच्छे से, और हमारे साथ ही देखो भाई साकिब क्रिएशन मिला हमें यहाँ पे, और देखो बाइक साफ कर रहा है, और कपड़े पहचानते हो इस बंदे को, देख रहे हो इंसान गंदा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, हाँ खुश रहो, हाँ ब्लॉग तो गाइस। बाकी मौसम ना देखो कितना खराब हो गया, कुछ दिख रहा नहीं आगे, और कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है, कहीं टांगे ना खड़ी हो जाए, बाकी कोई सीन नहीं है। हाँ साकिब क्रिएशन बोल रहा है कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पीछे बैठा है ना, इसलिए शायद फिलहाल ना आगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे कैमरे की जो डिस्प्ले है फ्रंट वाली वो भी शो नहीं कर रही है, अभी पता नहीं क्या सीन है इसका यार, चेक करवाना पड़ेगा। देखा साकिब अभी डिस्प्ले शो नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम आने लगी। हाँ जो फ्रंट वाली वो मैंने ऑन रखी थी वो शो हो रही है, बट ये वाली शो नहीं हो रही है, पता नहीं क्या सीन है। और फिलहाल ना थोड़ी थोड़ी बारिश भी गिर रही है, हमें रुकना पड़ेगा यार, जब तक बारिश वगैरह थोड़ी बंद हो जाएगी तो तबाही हो जाएगी, आगे जाके रुकते हैं कहीं, देन उसके बाद फिर निकलते हैं। लोग ये जो वीडियो क्लिप इसके बाद आप देखने वाले, इस चीज़ को ना ध्यान से देखना, मैंने ना अपना कैमरा शॉप पे रखा था और वहाँ पे बंदे थे, इन्हें कहीं कैमरा ऑन किया है, वीडियो बनाई हुई थी थोड़ी बहुत, बट मैं नहीं जानता कौन है क्या है, तो मैं जब घर आया मैं तब जाके देखी वीडियो क्लिप कोई ऐसी ऐसी बनी, फिर मैंने ये चीज़ डाल दी, आप देख लें इस वीडियो को, बट मैं नहीं जानता कौन थे बंदे कौन नहीं, और आप ये वीडियो देखो भाई। हाय हेलो हेलो जेंटलमैन, हम हैं तो गाइस फिलहाल मैं निकल चुका हूँ वापस, काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका हूँ मैं, और मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश वगैरह गिर रही है और आगे भी खास कुछ दिख नहीं रहा है, और बारिश ना तेज़ गिरे, मुझे लगता है मुझे कैमरा ना बैग में डालना पड़ेगा, जितना मैं आगे जा रहा हूँ उतना ना बारिश ज़्यादा ज़्यादा तेज़ हो रही है। चेक कर रहे हो आगे क्या सीन है, देख रहे हो आगे का व्यू, देखो भाई व्यू क्या बोलते हैं, आगे की फॉग देखो भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है आगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई बाइक चलाना यार सच में। और एक तो बारिश वगैरह भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है, बट मैं बहुत ज़्यादा रिस्क लेके कैमरा मैंने आगे लगाया हुआ है, बट कोई सीन ना हो यार बारिश वगैरह से कैमरे में, पहले से डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ रही है, जो मतलब डिस्प्ले शो नहीं हो रही है। अभी ना सबसे ज़्यादा टफ यहाँ से आ गया, क्योंकि खतरनाक रोड है यहाँ से आगे, और कर्व भी काफ़ी ख़तरनाक है, इसलिए यहाँ से आगे बिल्कुल ध्यान से चलना होगा, कोई भी गाड़ी आएगी पता नहीं चलेगा। अच्छा आगे ना पत्थर गिरने का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, और आगे आप धुंध देख ही पा रहे होंगे भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा है बिल्कुल, मतलब 20-25 की स्पीड से मैं चल रहा हूँ, सोचो ऐसा कभी चला नहीं था बट आज चलना पड़ रहा है। फाइनली गाइस घर पहुंचने वाला हूं, एक्चुअली मैंने रास्ते शूट कर ही नहीं पाया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा गिरी थी, मैंने कैमरा फिर बैग में रख दिया, और मेरे ना कपड़े पूरे गीले हो गए जैसे कि आप देख पा रहे हो, और अभी आप देख पा रहे होंगे भाई, आपने तो पहले शर्ट कोई और बताई थी अभी, और उसके बाद मेरा मूड चेंज हो गया, फिर मैंने ये वाली शर्ट ले ली, तो वो मुझे बताना भूल गया। और इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, और कहीं गिर ना जाऊँ भाई वीडियो एंड करते करते, रास्ता भी ख़राब है, स्लिप बहुत ज़्यादा है, तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और अगर आपको और भी ब्लॉग चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, मैं पूरा अपना विलेज लाइफ का बताऊंगा जो भी सीन है भाई, अभी तो मैं फिलहाल थोड़ा बहुत मोटो ब्लॉग ही बताता हूं, और मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगा, और आप तक के लिए यार टाटा बाय बाय, और घर पहुंचने वाला भाई देखो फिलहाल इस रास्ते से चल रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखें और राइड सेफ किया करो भाई, कुछ नहीं भाई, बाय बाय।